हेलो एवरीवन। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू कैटामिन। ठीक है, कैटामिन जो है ये हमारे पास एनेस्थेटिक है, ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक, ठीक है, और इसको हम पेरेंटली देते हैं। ठीक है, अब ये इसको हम डिसोसिएटिव एनेस्थीजिया भी कहते हैं। ठीक है, ये ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अब इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, जैसे कि इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, ब्रोंकियो डायलिटेशन करता है और सिंपथेटिक एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन भी कॉज करता है। अच्छा, अब इसकी अगर हम यूजेस की बात करें ना, तो यूजेस में हमारे पास क्या है, इसको हम हेड एंड नेक की जो सर्जरीज होती हैं उसमें हम देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो बर्न्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो है एज एनाल्जेसिक इसको यूज़ करते हैं, हाइपोवॉल्यूमिया में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एस्थमा वगैरह में यूज़ करते हैं, इसको हम चिल्ड्रंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसके ये हैं कि ये हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है और इंट्राक्रैनियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और डायलेरम और हेलुसिनेशंस भी कैटामिन की वजह से होती हैं। दोबारा बता देता हूँ, डिसोसिएटिव एनेस्थीजिया है, ब्लॉक करता है ग्लूटामेट रिसेप्टर को, एनाल्जेसिक इफेक्ट है और ब्रोंकियो डायलिटेशन वगैरह कॉज करता है। ठीक है, स्टिमुलेशन, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करता है। अब यूज़ में क्या होता है, हेड एंड नेक की सर्जरी जो हेड एंड नेक फेस की सर्जरीज होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, बर्न्स वगैरह में यूज़ करते हैं, एस्थमा में यूज़ करते हैं, हाइपोवोल्यूमिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक इफेक्ट है और चिल्ड्रंस भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स यही है कि ये हमारे पास ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है और एमरजेंसी डायलेरम और हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। दैट्स इट, थैंक यू।